नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपको दोस्त संचित और स्वागत करता हूं इस वीडियो में। जाम डिस्कशन कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स पे और इस वीडियो में फाइनली बात करेंगे इफेक्टिवनेस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन की। तो लास्ट वीडियो में हमने बहुत अच्छे से समझा कि डेटा कम्युनिकेशन का क्या मतलब है और कौन कौन से कंपोनेंट्स, जब 5 कंपोनेंट हमारे पास मिलते हैं तब हम मानते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है। इस वीडियो में एक नेक्स्ट लेवल पर डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं इफेक्टिवनेस की। अब जैसे कोई भी आइडिया है ना, एल्गोरिदम हम लिखते हैं, फिर ये डिसाइड करते हैं कि वो इफेक्टिव है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं, कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कितना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी जज करना चाहते हैं कि अगर क्राइटेरियाज की बात करें तो कौन से क्राइटेरिया होंगे जो डेटा कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाते हैं। तो यहाँ पर हम इफेक्टिवनेस के लिए 4 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करने वाले हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज डिलीवरी, है ना, विच मीन्स मस्ट डिलीवर द डेटा टू द करेक्ट डेस्टिनेशन, और दैट इज मोस्ट फंडामेंटल। अगर ए बी से कम्युनिकेट करना चाह रहे हो आप, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं, यू वांट टू राइट सम प्रोटोकॉल अबाउट इट, तो सबसे पहले इंश्योर करिएगा कि जो डेस्टिनेशन है डेटा वहीं पर पहुंचे, इजंट इट। क्योंकि जो एग्जांपल हम लास्ट वीडियो में ले रहे थे बाबू सोना वाला, उस एग्जांपल के होते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो अगर आप कोई पर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं और सही डेस्टिनेशन पर डिलीवरी नहीं हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाने वाला है। कभी कभी तो हमसे भी हो जाता है ना, रॉन्ग डेस्टिनेशन भेजना किसी और को होता है, भेज किसी और को देता है, तो बड़े मसले होते हैं बाद में, उसको रफू करने में बड़ा समय लगता है। बट आपके के बिहाव पे आप गलती ना करो और व्हाट्सएप ये गलती कर दे कि आप भेजना किसी और को चाह रहे हो और चला किसी और को जाए, क्रॉस पास कम्युनिकेशन जब होगा तो कितने समस्याएं होंगे आप भी जानते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा डेटा कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव नंबर वन हमेशा रहने वाला है कि भाई डिलीवरी सही जगह की जाए। यस, द सेकेंड थिंग इज एक्यूरेसी, मस्ट बी डिलीवर्ड एक्यूरेटली विदाउट एनी एरर। नाउ दैट इज सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, भाई पहले तो सही जगह पहुंचाए, दूसरा जो मैसेज एग्जैक्टली लिखा है वही पहुंचाना। बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, एक शब्द अगर इधर का उधर से हुआ तो बात बिल्कुल चेंज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक दोस्त था बहुत पुराना, बहुत समय बाद उसने फेसबुक पे पिंग किया, मान लीजिए 5-7 साल हो चुके थे बात किए, तो उसने बोला हेलो संचित कैसे हो, तो मुझे लिखना था हाउ आर यू, मैंने लिखा हु आर यू, बाई चांस टाइप हुआ, गलती हुआ, मेरे को नहीं पता। मान लीजिए ये गलती प्रोटोकॉल्स कर दें, पहुंचाना था हाउ आर यू, पहुंचा दिया हु आर यू, अब दोस्त बड़ा नाराज हो गया कि यार तुम मुझसे ये पूछ रहे हो मैं कौन हूँ, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, इतना कुछ किया है। तो दूसरी चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है एक्यूरेसी की, जो पहुंचा रहे हैं वो सही तरीके से पहुंचाएं। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइमलाइनस, नाउ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इट सेज, मस्ट डिलीवर द डेटा इन अ टाइमली मैनर, sometimes time in real time applications, data delivery after the time is useless। कह रहा है अब सही जगह पहुंचाना है, सही message पहुंचाना है, but अगला important point कि भाई time से पहुंचा देना है। कभी 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 क्या, most of the time जब भी हम communication कर रहे हैं उसके एक specific time frame है कि within that time frame अगर आप message कर देते हैं तो लगता है कि सही हो रहा है, isn't it? For example, नई नई बात करनी शुरू की है आपने, है ना, और आपने मैसेज किया, मैसेज किया, अब वहाँ लिखा रहा है टाइपिंग, है ना, आप सोच रहे हैं कि आनेगा मैसेज, आएगा 10 सेकंड हुआ, 15 सेकंड, आधा मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट। अब आपको समझ नहीं आ रहा, नेटवर्क में लैग है, सामने वाली पार्टी लिखने में बहुत ज़्यादा समय ले रही है, या ऐसा भी तो हो सकता है मल्टी प्रोग्रामिंग चल रही हो, इजंट इट, बहुत सारे लोगों से बात की जा रही हो, बट कोई भी आइडिया हो, अगर वो मैसेज 1 घंटे के बाद आए तो फिर उसको करने का कोई फ़ायदा या उसको पहुंचाने का, उसको समझने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता बहुत सारे केसेस में। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो भी डेटा हम डिलीवर करें उसका टाइम फ्रेम होना चाहिए। आजकल लोग करते नहीं है, पहले आपको याद है जो फेस्टिवल्स होते थे, होली, दिवाली, दशहरा, SMS किए जाया करते थे, और वो SMS 2-3 दिन बाद आया करते थे, बिकॉज शायद सर्वर पर इतना लोड होता हो कि बाद में क्लियर कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह का आइडिया टाइमली मैनर में अपने को कम्युनिकेट करना है। इसी का जो नेक्स्ट लेवल आइडिया, दैट इज जिटर। अब ये नाम हो सकता है पहली बार सुन रहे हो, JITTER। जिटर का मतलब क्या है, रेफरेंस टू वेरिएशन इन द पैकेट अराइवल टाइम। नाउ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी, कभी कभी क्या हो सकता है, खासकर जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं आजकल कोविड के बाद, ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन वीडियो चैटिंग और कम्युनिकेशन, जितना भी पढ़ाई कम से कम बात करूँ तो सब उसी के माध्यम से हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या चाहते हैं, There must be in sync in the audio and video, isn't it? या ऐसा ना हो, कभी कभी ऐसा होता है ना, आप इस बात को समझेंगे कि डेटा जो है वो पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, तो अगर पहले वाला पैकेट जल्दी पहुंच गया और आगे वाला पैकेट बाद में पहुंचा तो बड़ी कन्फ्यूजन हो जाने वाला है, क्योंकि हम तो स्ट्रीमिंग कर रहे हैं तो पहला पैकेट पहले दिखाना है, बाद का पैकेट बाद में दिखाना है। तो हम ये चाह रहे हैं
कि भले ही लेट पहुंचे लेकिन जो डिफरेंस है वो ज्यादा ना हो। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मान लीजिए चलिए चार बसेस हैं, है ना, एक एक बारात जा रही है, एक बस में दूल्हा बैठा हुआ है, एक बस में पूरी बारात चल रही है, नहीं दूल्हा तो गाड़ी में चल रहा है, चलिए एक में बारात चल रही है, एक में हलवाई चल रहा है और चौथी बस में बैंड वाले चल रहे हैं। मान लीजिए सबसे पहले दूल्हा पहुंच गया, ना बारात पहुंची, ना बैंड वाले पहुंचे, ना हलवाई पहुंचे, उसके बाद हलवाई पहुंचे, अब दूल्हा हलवाई एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, फिर फाइनली बैंड वाले पहुंचे, सबसे बाद में बाराती पहुंचे। तो हम ये चाहते हैं चाहिए सब लोग 1 घंटा लेट हो जाए, लेकिन जब आए तो चारों एक साथ आए, बिकॉज देन दैट डज मेक सेंस, इजंट इट। तो डेटा के केस में भी कभी कभी अनइवन डिलेज होते हैं, कोई पैकेट बहुत जल्दी पहुंच रहा है, कोई पैकेट बहुत लेट पहुंच रहा है। तो हम चाहते हैं कि एक तरह का ऐसा सिस्टम हम यूज करें जहां पे अनइवन डिलेज ना हो। तो ये चार फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसके बेस पे मैं डेटा कम्युनिकेशन को जज करूंगा कि आपके नेटवर्क में कितना अच्छी क्वालिटी से डेटा कम्युनिकेट हो रहा है। चार बात ध्यान रखनी है, क्या, अगेन सबसे पहले ध्यान रखना है कि सही डेस्टिनेशन पे पहुंचे डिलीवरी, देन एक्यूरेसी कोई गड़बड़ ना हो, टाइमलाइननेस विद इन डेन टाइम फ्रेम हम डिलीवर करते हैं, एंड लास्ट पॉइंट जिटर, आपस में डिफरेंस ना हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यहाँ शेयर का भी एक आइकन बना रहा होगा, शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा मुझे लगेगा और मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, गेट, नेट या अदर एग्जामिनेशंस में अगर सच में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो नॉलेज गेट के डिफरेंट कोर्सेज को एक्सेस करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारी ऐप डाउनलोड करिए।